हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं, जैसा कि आपको पता है कि बैकबोन की जो मैंने प्रॉब्लम शेयर करी थी और आज उसका ये सेकंड सेशन है, तो आज दूसरे दिन मैं जा रहा हूँ। और जो मतलब सेशन से पहले जो मुझे पेन बना रहता था बैक में, और वो बताया था मैंने, जिम की वजह से हुआ था और प्रॉपर लेट नहीं सकता था तो बेंट होके लेटना पड़ रहा था और ज़्यादा देर कहीं पर बैठ नहीं सकता हूँ, जस्ट लाइक कि वो लोअर बैक में पेन आता है। तो अब क्या हो रहा है कि एक सेशन के बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो रहा है, तो वो पहला सेशन था और अब आज मैं दूसरे सेशन के लिए जा रहा हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं सर के पास और सेशन टू की प्रिपरेशन हो रही हैं, जो भी सर बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ होनी है, और अभी नेक्स्ट सेशन हो जाए और उसके ड्यूरेशन में क्या क्या नेक्स्ट सेशन थेरेपी हो रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और जो एक्सरे था मैं वो दिखाता हूँ कि एक्सरे में क्या था। तो एक्सरे भी कराया था, तो ये एक्सरे में प्रॉपर जो ये एरिया जो दिख रहा है यहाँ पे, मैं अगर बताऊँगी तो एग्जैक्टली ये जो मेरे फेस के पास जो नीचे वाली बैकबोन दिख रही है ये वाली, तो ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। ये जो मैं कैमरे पर दिखा रहा हूँ ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम है गैपिंग की। पैर दोनों ऊपर कर लीजिए बेड पे और एक पैर को बेंड कर लीजिए इसको। ये सीधा रहेगा सर ना? एक कोई भी किसी भी तरह बेंड कर सकते हैं। हाँ, दोनों में तो करना है। तो सर अभी तो मतलब हाँ, मैं हूँ, मगर जिसको भी करना है तो ये हाफ पैर हाँ, ऐसे कुछ कंफर्टेबल हाफ रहेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाइए, स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, ये घुटने के मिड में, पंजे का मिड घुटने के सामने आना चाहिए। ठीक है, हाँ, और अब पंजे को खींचना है। इसमें सावधानी ये बरतनी है कि घुटना उठना नहीं चाहिए और पंजा खींचे ना कि उंगली। हाँ, ये जमीन से जुड़ा रहना चाहिए और फिर पंजे को खींचना है। वेरी गुड। अभी सेम हाँ, उस साइड भी सेम एक्सरसाइज करना है। पंजा सीधा रहेगा ऐसे। दोनों पैर एक साथ उठाने हैं और वो भी जमीन से लगभग 4 से 6 इंच। हाँ, ओके। और होल्ड करके रखना है इसको अप्रॉक्स 30 सेकेंड। इसको ज़रूरी नहीं है कि आप 30 सेकंड पहले दिन होल्ड कर ही पाएँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिना दर्द हुए आप होल्ड कर पा रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उतना होल्ड करना है। साइड लाइन लेट जाइए करवट और पीठ को पूरी तरह से दीवार से सटा लीजिए एकदम। ये समझिए दीवार के बगल में पड़ोसी की आप अपनी एक दीवार बना रहे हैं पीठ से, सिर भी टच रहेगा दीवार से। और एक दोनों हाथों को दोनों कानों पर मोड़ के ऐसे रख लेना है और पैर को मोड़ लेना है ऐसे ही। ठीक है, अब एक पैर को ओपन करना है। हाँ, ये और एकदम धीरे धीरे। वेरी गुड। ये ग्लूट्स मसल की स्ट्रेंथनिंग है, जो कूल्हे की मांसपेशी है जिसके सहारे हम खड़े होते हैं, अगर वो कमज़ोर है तो उसको मजबूत करने का ये तरीका है। और एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको अपने पंजे और कोहनी पर पूरे शरीर को उठाना है और रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी रहेगी, थोड़ा सा डाउन और डाउन डाउन डाउन, और आपको दीवार पे देखना है सामने वाली। गुड, वेरी गुड। ये आपका करेक्ट पोस्चर है। इस पोस्चर को जितना आप
10 सेकंड से 30 सेकंड तक जितना होल्ड कर सकते हैं उतना बेटर है। प्लैंक एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है जिसको कमर में दर्द है, और नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है जिसको अपनी बॉडी का शेप अप चाहिए। तो सर जो अभी कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जो निडल्स हैं और एक कप से इनका क्या काम होता है? निडल का डायमीटर बहुत, हमारी सुई जो है वो इंजेक्शन से बहुत, सिरिंज वाली जो होती है सुई उससे बहुत पतली होती है। इसका डायमीटर 2.025 mm डायमीटर इसका होता है जी, जिसका चुभने का बहुत नॉर्मल, मच्छर काटने जितना दर्द होता है बस जी। और इसका जो रिजल्ट्स आता है वो ऐसा आता है, कई पेशेंट्स की ही मैं बात करूं तो कहते हैं एकदम मिरेकल जैसे हो गया हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये मरीज कह के जाते हैं, ये मुझे खुद रियलाइज हो रहा है। तो ये मांसपेशियों को ढीला करने के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है, फिजियोथेरेपी की बहुत एडवांस टेक्निक है। इसमें करते क्या है कि बहुत गहराई तक हमारे मांसपेशियों में ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, बन जाते हैं, कुछ गठाने जैसे बन जाते हैं, कुछ फाइबर्स टूट जाते हैं जिसके चलते वो टाइट हो जाती हैं। उनको ढीला करने के लिए ये टेक्निक बहुत अच्छी है। इसका असर भी लगभग 70 से 72 घंटे रहता है, जिसकी वजह से हमें टाइम मिल जाता है रिहेबिलिटेशन का। और ये कपिंग थेरेपी है, इससे बेसिक अगर सुपरफिशियल स्टिफनेस है, क्योंकि मांसपेशियाँ हमारे शरीर में कई परतों में हैं जी, तो जो सुपरफिशियल जो सबसे ऊपरी परत है उसमें अगर कहीं पर स्टिफनेस है, कहीं टाइटनेस है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको हल करने के लिए ये बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें कोई इंजेक्शन कुछ नहीं है, बस इसको लगाया जाता है और ये उस हिस्से के मांस का खून की सप्लाई को बढ़ा देता है, जिसके थ्रू वहाँ की मांसपेशियाँ। और मैं कहना चाहूँगा कि जो फर्स्ट सेशन बाद सेकेंड सेशन जब हुआ है आज, और तो उससे काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है और लग रहा है कि सारी मसल जो एकदम फ्री हो गई हैं, और एकदम जैसे कि होता नहीं कि आप वर्कआउट करने के बाद एकदम रिलैक्स महसूस करते हैं स्वेटिंग होने के बाद, तो वही सेम फीलिंग हो रही है। और बाकी जो सर ने बताया, तो ये सेकंड सेशन है, तो मैं बाकी आपको अपडेट करता रहूँगा कि मुझे उस सेशन के बाद कितना फ़ायदा हो रहा है। जब यहाँ पर मैं पहला सेशन कराने आया तो मुझे लग रहा था कि मैं रेगुलर आऊँगा, तो ऐसा नहीं है। ये 2 या 3 डेज का गैप रहता है जिसमें आपकी बॉडी हील कर सके, फिर से आप नेक्स्ट सेशन के लिए आ सकें। तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा सुन के कि जो बॉडी 2 दिन या 3 दिन का जो टाइम मिलेगा उसमें आप इम्प्रूवमेंट महसूस करें तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप आ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा है और ये मुझे भी काफ़ी सही लगा, तो मैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन के लिए आया था। और मैं इस सेशन के बाद मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी तरह की प्रॉब्लम है और लेटने में और प्रॉपर आप बराबर लेट नहीं पा रहे हैं और ज़्यादा देर बैठते हैं तो बैक में अगर जलन हो रही है, तो इस काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो रही, तो आप एक बार या 2 बार एक्सरसाइज ही ट्राई कर सकते हैं जैसा सर ने बताया था, क्योंकि ये हर बीमारी के लिए अलग एक्सरसाइजेज हैं। और अभी 1-2 दिन के बाद या 3-2 दिन के बाद मैं फिर एक नया सेशन, मेरी बॉडी में क्या इम्प्रूवमेंट आया है और कितना फ़ायदा हो रहा है, तो वो भी मैं आपको एक जेन्युइन तरीके से अच्छे से वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।